बड़ा अहम सवाल जो उनसे पूछा जाने लगा है कि तबर्रुकात जो हैं इनकी ज़ियारत करना फ़ायदेमंद है, सही है या नहीं करनी चाहिए। तो इसमें असूल जो है वो याद रखें कि तबर्रुकात की ज़ियारत का कोई भी मुनकर नहीं है अहले सुन्नत में, आले तशय्यों में भी, इवन के जो आले हदीस हैं उनमें भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है जो तबर्रुकात की ज़ियारत को जायज़ भी कहती है और अच्छा अमल भी कहती है। एक बुनियादी चीज़ इसमें याद रख लें, ये बड़ी ज़रूरी है, आपको काम आएगी, तबर्रुकात की ज़ियारत बिल्यकीन जायज़ और फ़ायदा मंद है अगर वो तबर्रुकात असली हों। हमारे जो अहले सुन्नत दोस्त हैं बड़े भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं बेचारे, पिछले कुछ अरसे से इनके साथ एक बड़ा ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। कोई भी किसी भी चीज़ को तबर्रुकात का नाम देकर मजलिस में ले आता है और उसके नाम पर पैसे भी बटोरता है। आले सुन्नत की आवाम उसकी ज़ियारत भी करती है, चूमती भी है, उसको पैसे भी देती है और भी कई सारी चीज़ें उसमें होने लग गई। तो ये जो चीज़ है ये अहले सुन्नत को तबाह कर रही है। पाकिस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे तबर्रुकात मौजूद हैं, इसी तरह तुर्की में, अरब इमारात में, चेचिनिया में सही सनद वाले तबर्रुकात वो मौजूद हैं और उनकी ज़ियारत अफजल चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। और सैयदा अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत भी मौजूद है कि जब कोई बीमार होता था तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक, उसका दामन मुबारक भिगो कर देती थी तो वो आदमी शफायाब हो जाता था। उच शरीफ में कई सारे तबर्रुकात मौजूद हैं मगर वहाँ भी अब मसला ये हुआ कि बहुत सारी जाली चीज़ें, खुद साख्ता चीज़ें तबर्रुकात में शामिल कर ली गई। इनसे बचना चाहिए। हमारे पास, हम पर तो ये एहसान हुआ कि हज़रत क़िबला आलम करीम गरीब नवाज के जितने तबर्रुकात थे हमारे बुज़ुर्गों ने उनकी लिस्ट बना दी और वो सनद कर दी कि इनके अलावा कोई असली तबर्रुक मौजूद नहीं है आपके पास। जितने तबर्रुकात हैं वो यही हैं, इसके अलावा अगर कोई शख्स ख़ानदान में से भी या ख़ानदान से बाहर भी कोई दावा करता है तो वो झूठा है, उसके पास कुछ मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लिस्टें जो हैं वो हमारे घरों में मौजूद हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ किसके पास है। लेकिन अब चूंकि अरसा बहुत हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात जो है वो बहुत जगह फैल गए, लेकिन जितने असली तबर्रुकात हैं याद रखिएगा इनकी सनद साथ होती है कि ये कहाँ से आया, किसके पास था, किसने किसको दिया, किसने किसको दिया, मुफस्सल सनद होती है, उसके ऊपर बाकायदा तहकीक भी की जाती है। तो अगर तो सही हैं जिस तरह उच शरीफ में, शेखवैन शरीफ में यहाँ मौजूद हैं सही तबर्रुकात मौजूद हैं, बादशाही मस्जिद में मौजूद हैं, लेकिन अब उच शरीफ में काफ़ी सारी चीज़ें खुद साख्ता भी शामिल कर ली गई हैं साथ, तो उनसे बचना भी है हमें। असल तबर्रुकात की ज़ियारत भी करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन उसके साथ ये भी ख्याल रखना है कि कोई भी चर्सी भंगी वो उठ के कहे कि मेरे पास ये चीज़ है तो हमने उसको बस
अकीदत के मारे अंधी अकीदत में डूब नहीं जाना, कुछ थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। देखें, ये कल्बी मामला है, जज्बाती मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता किसी भी चीज़ का कोई भी जिक्र करता है तो हमारा ईमान वैसे भी वो सर झुक जाता है, ईमान जो है वो ताज़ा हो जाता है कि ठीक है यार, तस्दीक हम नहीं करते, तुम्हारे पास है तो तुम सच बोल रहे हो। लेकिन दौर ऐसा आ गया है कि अब थोड़ा सा जांच पड़ताल ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हर कमीना जो है, गलत आदमी जो है, उसने भी ये धंधा शुरू कर दिया। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा मोहतात रहना भी ज़रूरी है। बाकी अगर किसी के पास सही तबरुकात है, मुँह मुबारक कसरत से मौजूद है लोगों के पास, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, ज़्यारत करनी चाहिए, ज़रूर करें।